हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर आप ही ऐसा सोचते हो। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं जानूंगा कि आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर आप ही ऐसा सोचते हो। मैं अपने हर एक डेक से आज जानने की कोशिश करूंगा। मैं ट्रू लव ओरेकल से जानूंगा, साइकिक से जानूंगा एंड इवन अपने एनर्जी ओरेकल से भी जानूंगा एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लूंगा मैं एंजल डेक से। सो डेफिनेटली गाइज, आप इस रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। और डेफिनेटली यहाँ पर से जानेंगे हम कि आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर आप ही ऐसा सोचते हो। ओके एंड गाइज, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो आपका, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे वो आपके लिए नहीं है। ओके तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए जो आज मैसेज आपको मिलने वाले हैं। ओके देखते हैं क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, या फिर आप ही ऐसा सोचते हो। सो चलिए रीडिंग को करते हैं अब स्टार्ट। गाइस बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि हम दोनों का साथ, आपका और मेरा साथ बना रहे। क्योंकि मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियोस डालता हूँ, तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको गाइडेंस थोड़ी मिले चाहे ज़्यादा मिले, पर गाइडेंस देना मेरा काम है, तो डेफिनेटली मैं बस आपको गाइडेंस देता रहूँगा। ओके मेरे पास आ गया एक कार्ड, द हर्मिट। ओके वर्गो, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, वाह वाटर साइन काफी स्ट्रांग चल रहा है, काफी इमोशनल चल रहा है आपके बीच में कनेक्शन अभी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, ये बहुत सारे कार्ड है गाइस। Knight of Swords, bottom of the deck King of Swords, okay, so हमारे पास जो साइंस है वो है वर्गो स्पेशल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एरीज लियो सजिटेरियस है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। सभी साइंस हमारे पास यहाँ पर हैंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपको सच में प्यार करते हैं या फिर आप ही ऐसा सोचते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आप दोनों के बीच में एक हद तक मुझे ये दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम और सोल मेट कनेक्शन में हो। ठीक है, आपके बीच में इन्फिनिटी है, ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन है और सोल मेट आपका कनेक्शन है। पर चल अभी आप सिंगल रहे हो, अकेले हो अभी आप, आपके पास आपका पर्सन नहीं है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं वो, और इवन आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। काफ़ी लोगों के बीच में सेपरेशन है, काफ़ी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, काफ़ी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फाइनेंशियल
फैमिली भी एक ना एक फैक्टर मुझे दिख रही है यहाँ से, बट हमारे पास 2x2 है, 2x10 है, तो काफ़ी लोगों को 2x2 या 2x10 दिख रहा हो या 2x2 2x10 दिख रहा हो, ये हो सकता है एंजल नंबर है ये, तो एंजल नंबर आपको शो रहे हो, एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हो, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, बट यस अभी आप अकेले हो, बिल्कुल अलोन हो, बट आपका कनेक्शन जो है सोलमेट है, आप चाहते हो आपके पार्टनर रिविजिट करे आपकी लाइफ में, बट अभी वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पार्टनर ही कन्फ्यूज है, कन्फ्यूजन में है पार्टनर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। सबसे पहली चीज़ इस पर्सन को अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करनी होगी, अपने आप को क्लैरिटी में लाना होगा, चाहे अब ये करियर को लेकर कन्फ्यूजन हो, आपको लेकर कन्फ्यूजन हो, फैमिली को लेकर कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो, पर वो कन्फ्यूजन दूर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आगे चल के कुछ हो सकता है। ओके पहली चीज़ तो ये, एंड द हर्मिट कार्ड मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस आप दोनों चल रहे हो अकेले, अलोन, कोई साथ नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, दूर हो एंड कन्फ्यूजन में हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं आपको लेके, शायद मे बी उनको इस तरीके का प्यार आज तक कभी ना मिला हो जिस तरीके से आपने अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप में, आपने इतना अनकंडीशनल लव किया उस पर्सन को कि वो पर्सन इस प्यार को समझ ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बॉन्ड को आगे चलाया जाए, बढ़ाया जाए, कैसे बातचीत की जाए, उन सब उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही है, दोबारा से वो इस बॉन्ड को क्रिएट करना चाहते तो हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर टाइमिंग का इशू भी है, बिकॉज इन्फिनिटी भी एक टाइमिंग ही दिखाती है कि जब आपकी टाइमिंग आएगी तभी आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओगे, क्योंकि देखिए इन्फिनिटी ने आपको मिलाया है, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, ये बात तो सच है, बट अभी आप दोनों अकेले चल रहे हो तो इस वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। और देख लीजिए सिक्स ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि यस आपकी जो मेमोरीज़ हैं, ओल्ड मेमोरीज़ जो आपने एक साथ बनाई, एक साथ बिताए हुए पल, एक साथ बिताए हुए समय को आज भी याद करते हैं आपके पर्सन, और उस समय को याद करके ही वो आज भी आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। मे भी मुझे लगता है द हर्मिट कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, अपना पाथ ढूंढने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से अपने उस रास्ते को चुना जाए जो इनकी हर एक कन्फ्यूजन को दूर कर दे। बट यस ये आपके पास्ट लवर तो रहे हैं, शायद मे भी पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ कनेक्शन रहा हो और आज भी आपके ट्विन फ्लेम बन के ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। बट यस ये ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है गाइज, बहुत ही ज़्यादा टफ जर्नी होती है ये, और इस जर्नी को पूरा करने में बहुत टाइम भी लग जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर वक्त पेन बना ही रहता है। बट यस अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे, सोलमेट कार्ड दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कार्ड दिख रहा है, एक साथ तीन चीज़ें दिखी हैं मुझे यहाँ पर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, तो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि क्या ये पर्सन मुझे प्यार मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हो कि ये आपका इल्यूजन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कोई गलत फहमी में नहीं हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अनकंडीशनल लव दोबारा से शेयर करें, म्यूचुअल कनेक्शन बनाएं, और आप दोनों ये अपनी शादी तक चाहते हैं आपके साथ, देख लीजिए ये इतना प्यार करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, मैरिज कार्ड भी होता है, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, एनी वन आप इनके सोलमेट हो तो डेफिनेटली आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही है, अनकंडीशनल लव, सोलमेट, एनी वन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए पर्सन एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास एक्शन के दो कार्ड हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि यस मेंटल क्लैरिटी मिलते ही ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास एक्शन लेकर आएंगे, एक्शन लेते ही ये आपके पास सबसे पहले आएंगे, एंड इवन ये इमोशन से भरा हुआ ये कप आपको देंगे और आपके इमोशंस की काफ़ी वैल्यू भी करेंगे, तो डेफिनेटली वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ से आपके इमोशंस की, आपकी कि आपको ये बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स मुझे दोनों एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि यस ये पर्सन आपको ही चूज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ सिक्योरिटी के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, क्योंकि प्यार तो ये आपसे ही करते हैं आज भी, एंड इवन टेन ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि ये जॉय, हार्मनी, रिलैक्सेशन, होम, एक स्वीटनेस, एक पीस, हर तरीके की कप यहाँ पर है, रिस्पेक्ट, वैल्यू, चॉइसेस, एंड डेफिनेटली ये इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी चॉइसेस को प्रेफरेंस देंगे, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझेंगे, एंड एक मेंटल क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगे, अभी इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है बट बहुत जल्द ये क्लियर करेंगे इन सब चीज़ों को, और सच में ये आपसे प्यार करते हैं ये आज ये चीज़ आपको बताएंगे आगे। तो चलिए मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेता हूँ अपने साइकिक डेक से कि नेक्स्ट एक्शन कब और क्या होने वाला है, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली हम यहाँ से यही जानते हैं।
ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। तो हर एक ऑब्स्टिकल से लड़ के आपके पास आएंगे, हर एक क्योस से लड़ के आपके पास आएंगे आप, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे करियर इशू हो। हर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेंगे, हर एक कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करेंगे, कन्फ्यूजन ख़त्म करेंगे, क्योंकि जब तक इनके लाइफ से कन्फ्यूजन या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। देखा मैंने कहा ना, अकेले तो ये चल ही रहे हैं, सॉलिट्यूड अगेन, अलोन है, अकेले हैं आप दोनों। आप दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे से, एक दूसरे में होप रखने की, उम्मीद रखने की। सो डेफिनेटली हमारे पास होप कार्ड आ गया है, तो होप रखनी है, उम्मीद रखनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है गाइज। आपको पता है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, तो आपको भी इनमें उम्मीद रखनी होगी। क्योंकि देखिए डेस्टिनी आपके लिए वर्क कर रही है, इन्फिनिटी आपके लिए वर्क कर रही है, तो ये कनेक्शन इन्फिनाइट कनेक्शन है। और देखिए हमारे पास आ गया है एस ऑफ सोर्ड, सो डेफिनेटली न्यू शुरुआत तो होगी एक क्लैरिटी के साथ। एंड थर्ड आई चाक्रा ओपन होगा इस पर्सन का, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपना थर्ड आई चाक्रा, अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे आपके पास तक पहुंचने में, अपने दिमाग का। अगर क्लैरिटी आएगी तो थर्ड आई चाक्रा ओपन होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे और क्या आता है निकल के। वी हैव कमिटमेंट, तो आगे चल के कमिटमेंट आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। कमिटमेंट तो दे देंगे आपको, कमिट कर देंगे ये पर्सन। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, काफ़ी स्पिरिचुअली मैच्योर होकर आएंगे आपके पास। इनर पीस, अपने इनर पीस को हमेशा बरकरार रखेंगे, आपके इनर पीस को बरकरार रखेंगे, अपनी रीपेरेंटिंग करते रहेंगे हर वक्त, जब जब प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप में। एंड डेटिंग तो शुरू होने वाली है आपके बीच में, डेफिनेटली डेटिंग तो शुरू होने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग और पीस के साथ ही आपके पास आएंगे। इन डिसीजन की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, गॉड कह रहे हैं बहुत जल्द। इन्फिनिटी आपके साथ है, इन्फिनिटी आपके लिए वर्क कर रही है, इन्फिनिटी आपको मिलाने में वर्क कर रही है। मैजिशियन इन द मिरर, तो मैजिशियन भी यहाँ पर से निकल कर आ रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ऑल टाइड अप सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। एंड वी हैव पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने होंगे, पेशेंस के साथ वर्क करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए मैं अपने एंजल कार्ड से देख लेता हूँ आपके लिए क्या है टाइमिंग, क्या है एंजल्स के मैसेज। बी असर्टिव, लगे रहो, काम करते रहो अपने लिए, आपको आगे चल के इसका फल मिलेगा। फॉरगिवनेस, लोगों को आपको माफ़ करना भी आना चाहिए, अगर कोई आपसे कुछ गलती कर देता है आपके साथ, तो आपको उन सब चीज़ों पे भी अपने आप को हैंडल करना चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ फ्यू वीक्स में ही आपका कनेक्शन बनेगा अपने पर्सन के साथ, और यस डेफिनेटली बनेगा। तो गाइज ये है आपकी आज की रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय, टेक केयर, फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।